बोकारो दर्शन के प्रायोजक हैं ओम स्वर्णम डायमंड। आपके खूबसूरती में चार चांद लगाने आ गया। पंजाब नेशनल बैंक के बगल में राम मंदिर सेक्टर 1 बोकारो स्टील सिटी। खंडहर देखने से पता चलता है इमारत कभी बुलंद रही होगी। आइए बोकारो दर्शन के इस 10वें भाग में हम आपको लीक से हटकर मंदिर से बाहर निकल भूतकाल में कभी बुलंद रहे कतरासगढ़ के राजा मेदिनी सिंह के महल से आपको रूबरू करवाने चल रहे हैं। आप सभी इससे वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान में कभी राजे रजवाड़े की राज हुआ करता था और होती थी उनकी रियासत या यूं कहें उनकी राजशाही। डी फोकस परिवार आज इसी राजे रजवाड़े की आज की स्थिति से वाकिफ करवाने बोकारो शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पूर्व के कतरासगढ़ एवं आज के कतरास राज परिवार के समीप आपको लाया है। पुराने सभी लोगों को प्रायः यह मालूम है कि पूर्व में धनबाद जिले में 3 राजाओं की रियासत हुआ करती थी, जिनमें प्रमुख रूप से कतरासगढ़, नवागढ़ एवं झड़िया थी। अनुमानतः 350 साल से इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कतरासगढ़ की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग आपको इतिहास की ओर ले चल रहे हैं और कतरास राजा के महल की ओर ले चल रहे हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही है कतरास राजा का महल, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके इतिहास के बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन बोकारो दर्शन के माध्यम से इस इतिहास के पन्ने को हम लोग खोलेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं कतरास राजा के महल। आज से लगभग 350 साल पहले मध्य प्रदेश के आज के जिला रीवा से मेदिनी सिंह का आगमन एकीकृत बिहार के गिरिडीह में अवस्थित पालगंज में हुआ। पालगंज से होते मेदिनी सिंह आज के धनबाद जिला आए और उन्होंने अपनी रियासत शुरू की। कतरासगढ़ रियासत शुरू करते वक्त कुल 370 गांव इसके अंतर्गत आते थे। मेदिनी सिंह के राजशाही के समय ही माँ लिलोरी स्थान उर्फ नीलकंठ वासिनी स्थान की स्थापना हुई, क्योंकि माँ नीलकंठ वासिनी राजा मेदिनी सिंह की कुल देवी थी। इसलिए रीवा मध्य प्रदेश से माता की प्रतिमा यहाँ ला अपने राज में उनकी स्थापना की गई। राजा मेदिनी सिंह के बाद उत्तराधिकारी के रूप में उनके बड़े पुत्र संग्राम सिंह ने सत्ता संभाली। संग्राम सिंह के उत्तराधिकारी हुए राजा फतेह सिंह। राजा फतेह सिंह के वंशजों में कुल 6 पुत्र थे, जिसमें क्रमशः राज सिंह, किशुन सिंह, श्याम सिंह, रघुनाथ सिंह, प्रेम सिंह एवं हेमलाल सिंह थे। राजा फतेह सिंह यानी कतरासगढ़ के तीसरे पीढ़ी से इस राज परिवार का बिखराव शुरू हुआ, जिसमें फतेह सिंह के दूसरे पुत्र किशुन सिंह को कतरासगढ़ की विरासत मिली तो तीसरे पुत्र श्याम सिंह को नवागढ़ एवं चौथे पुत्र रघुनाथ सिंह को झड़िया राज विरासत में मिली। राजा किशुन सिंह के बाद राजा फतेह सिंह के दूसरे भाई के पुत्र सुजान सिंह ने कतरासगढ़ की सत्ता संभाली। राजा सुजान सिंह के समय ही माँ लिलोरी स्थान के मंदिर का निर्माण हुआ। सुजान सिंह के बाद सत्ता की बागडोर अवधूत सिंह के हाथ आई। उपरांत राजा जगमोहन सिंह ने कतरासगढ़ को अपना विरासत बनाया।
महल में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको इस महल की सबसे बड़ी विशेषता से अवगत कराने जा रहे हैं। जहाँ भी जो भी अतिथि आते थे इसी बैठक खाना में बैठते थे। चलिए इस महल की बैठक खाना को आपको दिखाते हैं। जो अतिथि आते थे उनका ध्यान रखते थे। ये सर ये जो तस्वीर है ये किन की है? ये हमारे फादर के ग्रैंडफादर की तस्वीर है। इनका नाम है गंगा नारायण सर जी। उन्हीं के नाम से गंगा गौशाला है जी। और यहाँ के हाई स्कूल गंगा नारायण मंदिर है जी। उनके लड़के हमारे ग्रैंडफादर मुक्ति नारायण सर। तो जैसा कि राजा साहब ने बताया ये 14 पीढ़ी बीत चुकी है और कई साल पुराना इतिहास भी है इस महल का। इस महल के इतिहास के पन्ने को हम धीरे धीरे आपके रूबरू कराएंगे, लेकिन अभी हम इस महल के दूसरी ओर आपको ले चलते हैं जहाँ पे एक इतिहास दफन है। इस महल के छत पे जा रहे हैं जिसके ऊपर से सारा खतरास नजर आता है और लिलोरी थान मंदिर भी नजर आता है। चलिए चलते हैं इस महल के छत की ओर। राजा जगमोहन के बाद कतरासगढ़ की सत्ता राजा गजाधर सिंह के हाथ आ गई। राजा जगमोहन ने अपना उत्तराधिकारी दिग्विजय सिंह को बनाया। दरअसल इस राजा खानदान की परंपरा अपने पहले पुत्र को सत्ता सौंपने की रही है, इसलिए राजा दिग्विजय सिंह ने अपनी वागडोर राजा हरिशंकर सिंह को सौंप दी। वंश परंपरा अनुसार राजा हरिशंकर सिंह ने अपना उत्तराधिकारी राजा शक्ति नारायण सिंह को बनाया। जब राजा शक्ति नारायण सिंह ने कतरासगढ़ की सत्ता संभाली उसी दौरान उन्होंने कतरासगढ़ महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। जानकारों के अनुसार सन 1911 में इस भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इनके राजशाही में ही कतरासगढ़ राजबाड़ी का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। राजा के वंशज जो आ यहाँ रह रहे हैं उनके मुताबिक इस स्थान पर राजबाड़ी निर्माण से पूर्व की एक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी यूं कि आज जिस जगह कतरासगढ़ राजा का महल बना है उस समय वहां राजा शक्ति नारायण सिंह के राज में शामिल गांव था, लेकिन बिल्कुल जंगल से आच्छादित था। यहां राजा शक्ति नारायण सिंह शिकार करने आया करते थे। जैसा कि आपने कतरास शहर का नजारा मेरे साथ इस छत पर लिया, हम लोग जानेंगे कि ये कतरास महल कब बना और किन्हों ने बनाया। क्या है इस कतरास महल का इतिहास? हमारे साथ कुंवर जी हैं। कुंवर जी कब बना ये महल? ये महल हमारे ग्रैंडफादर के समय बना है। 1911 में शुरू हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन और 1919 में करीब इसका फिनिशिंग हुआ था। करीबन 9 साल लगे इसको बनने। 9 साल लगे। उस समय सब कुछ मैनुअली होता था, इसीलिए लगना स्वाभाविक। ये जो आपके हम लोग देख रहे हैं यहाँ से लिलोरी थान मंदिर, कहा जाता है कि आपके पूर्वजों ने ही बनाया। पूर्वजों ने ही नहीं बनाया, ये हमारे ही कुलदेवी हैं। जहाँ से आए हैं साथ में लेते आए हैं। कहाँ से लेके आए आप? हम लोग तो एक एमपी से लेते हुए आए। जो हमारे पूर्वज पहले आए पालगंज में ठहरे, वहाँ भी इनका मंदिर है। फिर यहाँ से नवागढ़ राजबाड़ी में वहाँ भी मंदिर है। फिर झिरिया राजबाड़ी में जाइए वहाँ भी मंदिर है। हमारे पूर्वज जहाँ जहाँ मतलब बस गए वहाँ इनकी पूजा करते हैं। कुलदेवी कुलदेवी। तो इस कुलदेवी को आप लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं लेके जा रहे हैं, आपके पूर्वज ले गए। तो अभी इस महल की हालत जर्जर है जी। ये आपके लिए एक चैलेंज है और कहा जाए कि आपने इस धरोहर को बचा के रखा है, तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे इसे बचा पाएंगे? अभी तक तो जितना संभव हुआ बचा के रखा गया है, इसके बाद तो ईश्वर ही जानते हैं क्या होगा। क्योंकि ये सब मेंटेनेंस में जितना खर्चा है, आजकल शायद ही कोई चाहेगा कि इसको बना
इसको मेंटेन करें या नया घर बना लें? तो सर एक तरह से कहा जाए कि इसकी मेंटेन के लिए आप सक्षम नहीं हैं। क्या आप चाहेंगे कि सरकार आपकी मदद करे इस धरोहर को बचाने के लिए? अगर सरकार इसमें मदद करता है तो हम लोग तो मदद लेंगे सरकार से, मगर ऐसा तो लगता है नहीं, क्योंकि जब से जमींदारी भ्रष्ट हुआ है तब से हम लोग इतना परेशान है ये जमीन जायदाद को लेके। हर चीज मतलब प्लॉट में देखिएगा कोई ना कोई एक केस सरकार के ही साथ है, तो कैसे हम लोग समझेंगे कि सरकार हम लोग को मदद करेगी? मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि ये माहौल अभी उपेक्षा का शिकार है जी। अभी देखिए कि कुछ देवोत्तर प्रॉपर्टी करके गए हमारे फादर, क्या कि हम लोग के इतने देव देवी हैं, जैसे नीलकंठ वासिनी है, यहाँ पर दुर्गा पूजा के टाइम में दुर्गा पूजा होता है, काली मंदिर है, ये सब का पूजा सब अभी तक हम लोग ही चला रहे हैं। उसके लिए पूजा के जो खर्चा के लिए किया गया है तो उसमें भी देखिए अब सरकार के साथ उसने कोई घटना रखी है नहीं। कुंवर जी ने बताया हम लोगों कि ये खतरा हमारी धरोहर को खुले एमपी सभी को इसे उपेक्षा का शिकार बनाया। सरकारी संस्था या सामाजिक संस्था इस बात को बचाना चाहता है कुंवर जी ने कहा उनका सहयोग जरूर लेंगे। हमारी धरोहर है ये और बचाना हमारा कर्तव्य है। चलिए आप इस महल दूसरी ओर भी ले चलते हैं जहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये महल कुछ सुविधाओं की कमी के कारण जर्जर स्थिति है। जब आप इस महल के मुख्य दरवाजा में प्रवेश कर निवास स्थान के द्वार पर पहुंचेंगे तो आपको दरवाजे में घुसते ही दाहिने ओर एक गड्ढा दिखाई देगा जो पत्थरों से चौखुट घिरा है और उसके बीच एक पत्थर रखा है जिसे शक्ति पत्थर का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि एक दिन राजा शक्ति सिंह अपने लाव लश्कर के साथ शिकार हेतु इस ओर आए थे तो उन्होंने देखा कि एक शेर एक खरगोश का शिकार करने हेतु उसका पीछा कर रहा है। खरगोश भागते भागते आज के शक्ति पत्थर पर आकर बैठ गया और शेर जहां का तहां रुक गया। राजा शक्ति सिंह घोड़े पर सवार हो शेर का पीछा कर ही रहे थे लेकिन खरगोश को पत्थर पर बैठते ही शेर का रुक जाना एवं वापस चला जाना उनके मन में विस्मय पैदा कर दिया और उन्होंने निश्चय किया कि खरगोश के डर से शेर का वापस चला जाना निश्चय रूप से इस स्थान पर कुछ विशेष है और उन्होंने इसी स्थान पर अपना निवास स्थान बनाने का निर्णय लिया और आज महल भी है और शक्ति पत्थर के नाम पर वट पत्थर भी परिलक्षित है। आते आ रहे हैं कि इस महल की क्या क्या खासियत है। हजारों साल पुराना इतिहास और हजारों साल पुरानी चीज इस महल में अभी भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ शेषनाग सिंह जी हैं जो इस महल में ही रहते हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या इनका प्लान है इस महल को लेकर। शेषनाग जी ये महल अभी जर्जर स्थिति में है लेकिन कभी बहुत अच्छी स्थिति में हुआ करते हैं। आप नई पीढ़ी के लोग हैं, आपके पूर्वजों ने इस महल को बनाया जिसे बनाने में अभी आप या अच्छे अच्छे लोग असफल हैं, तो इसकी देख रेख क्या आप कर पाएंगे? इस बात का तो काफी दुख है कि ये महल जर्जर अवस्था में, लेकिन
मेरी ये सोच है ट्रेनिंग है कि किस तरह से इसको बचाया जाए इस धरोहर को, क्योंकि ये एक इतिहास है जी, इतिहास बन के रह गया और इस इतिहास को हम लोग बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरे परिवार को एकजुट होकर बैठना पड़ेगा, इसमें एक प्लानिंग करना पड़ेगा। और शहर वासियों का भी साथ आप लेंगे, कतरास शहर वासियों का भी इसमें साथ लेंगे? काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे को देखते हैं, लोग इतिहास को देखना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं। मैं लोगों से भी काफ़ी नसीब वाले वो लोग होते हैं जिनके पूर्वज ऐसे ऐसे चीज़ छोड़ के चले जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप वो नसीब वाले हैं? बिल्कुल मैं नसीब वाला हूँ कि इस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, जो कि ये दिन कि आज मैं इस परिवार में जन्म लिया। लेकिन दुख है आपको? लेकिन 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 बचा नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल इस बात का मुझे काफ़ी दुख है। इस धरोहर को मेंटेन करने में और क्या क्या इस महल में ऐसी चीज है दुर्लभ चीज़ें जो बहुत कम लोगों ने देखा? मैंने भी शायद ऐसी स्थिति में या ऐसा टाइम में मेरी जन्म हुई कि काफ़ी जो पुरानी जो चीज़ें थी या जो धरोहर थी शायद मैं देख नहीं पाया हूँ। मेरे से पहले जो जनरेशन या मेरे जो बड़े भाई साहब लोग थे उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी थी उस टाइम पे, जैसे काफ़ी झाड़ बत्तियाँ हुआ करती थी इस महल में, घुड़बग्गी हुआ करता था, हाथी साल होता था, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग चूँकि इस फैमिली के जूनियर मेंबर्स हैं जी। आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं है, तो मेरी दुर्भाग्य है कि मैं वो सारी पुरानी चीज़ें देख नहीं पाया हूँ, तो आज के डेट में जो सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूँ। तो अभी गाड़ी का जिक्र हो रहा था जो हाँ ये पुरानी जीप है, फोर्ड जीप है जो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ये काफ़ी पुरानी जीप है, ये फोर्ड जीप अमेरिकन फोर्ड, एक्चुअली ये अमेरिकन फोर्ड के नाम से जाना जाता है, एक्चुअली इसकी लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है क्योंकि अमेरिका में आप मुझे दिखाइएगा। लेफ्ट हैंड साइड में है क्योंकि अमेरिका में जो उनकी जो ड्राइविंग सिस्टम है वो लेफ्ट हैंड साइड में उनकी गाड़ियाँ चलती है, जैसे हमारे इंडिया में जो है राइट साइड में स्टीयरिंग होती है लेकिन लेफ्ट साइड में चलते हैं जी। लेकिन अमेरिका में क्या होता है ना कि लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होती है और राइट साइड में वो चलते हैं, तो उनकी जो अमेरिकन सिस्टम है उसमें वो लेफ्ट ड्राइव होती है, तो ये वो अमेरिकन फोर्ड है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बना था उस टाइम पे वो यूज़ होता है। तो क्या ये गाड़ी अभी चालू स्थिति में है? बिल्कुल, इसे एक्चुअली हम लोगों ने ये पहले तो ये पेट्रोल फोर्ड इंजन हुआ करता था जी, लेकिन इसे हम लोगों ने कन्वर्जन करके अभी इसमें वो डीजल इंजन डाल दिया है, इसका वो गियर बॉक्स ये सारा ट्रांसमिशन ये सब काफ़ी चीज़ें इसमें मॉडिफिकेशन हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन इसमें जो ओरिजिनलिटी जो है ऊपर से जो ओरिजिनलिटी इसको थोड़ा सा मेंटेन हम लोग करके रखा हुआ है, लेकिन इसमें ये एक ओपन हुड सिस्टम हुआ करता था, ये जो रिक्शा हुड सिस्टम जो ये यहाँ से खुल के बैक चला जाता था और ये कांच जो सामने गिर जाती थी, तो अभी वो सिस्टम को चेंज कर दिया, अभी ये पूरा इसको फिक्स कर दिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस महल में 40 साल 50 साल पुरानी गाड़ियां भी मौजूद हैं, मैं कुछ और गाड़ियां आपको दिखाऊंगा जो 70 साल पुरानी है। इस महल की अनेकों इतिहास है और इसका पन्ना हम खोलेंगे, लेकिन आप अपने टीवी स्क्रीन को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओम स्वर्णम डायमंड, हमारे शोरूम में मशहूर कंपनियों जैसे डीडमास, नक्षत्र, शंगनी, अश्मी आदि के डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध। हमारे यहाँ से डायमंड के बने हर तरह के जेवर उचित मूल्य पर खरीदें एवं निश्चित छूट का लाभ उठाएं। योर ड्रीम आपका सपना। हमारा पता है ओम स्वर्णम डायमंड, J3 सेक्टर 1 राम मंदिर पंजाब नेशनल बैंक के सामने, बोकारो स्टील सिटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं हूं हिमांशु और मैं इस समय कतरास राजमहल में हूं और आपको मैं दिखाते आ रहा हूं कि कतरास राजमहल की क्या क्या खासियत है। अभी हमने एक गाड़ी आपको दिखाई थी
जो ड्राइव होती है। लेकिन एक गाड़ी और आपको दिखा रहा हूँ जो 80 साल पुराना है। जिस गाड़ी को देखिए, ये 80 साल पुराना है। इस पे राजा साहब बैठते थे और जाया करते थे। इस राजघराने की अनेकों साल पुरानी इतिहास है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती थी वो लगती थी कहाँ? मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस राजघराने की उस गैरेज को देखिए, जहाँ पे हजारों गाड़ियाँ जो आती थी इस जगह पे लगती थी। इस गैरेज में अभी भी कुछ ऐसी गाड़ियाँ पड़ी हुई है जो 50 साल 60 साल पुरानी है। चलिए आपको दिखाते हैं उस गाड़ियों की झलक दिखाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया एक गाड़ी जो 40 साल पुरानी 50 साल पुरानी थी, लेकिन ये गाड़ी 60 साल पुरानी है, लगभग 60 साल, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यहाँ पे जो काम करते हैं उन मजदूरों को भी नहीं मालूम कि कब से है ये गाड़ी। एक कर्मचारी हमारे साथ हैं जो महल की देखरेख करते हैं, उनसे जानते हैं कब से आप इस महल में हैं। 18 साल से। ये गाड़ी कब से है? बहुत पहले से देखे हैं। तो कहा जाता है कि इस महल में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम करते हैं, तो कुछ ऐसे मजदूर भी हमें मिले जिनके चार चार पीढ़ियाँ यहाँ काम कर रही हैं। आप कितने साल से हैं? हम तो बोल रहे 18 साल से। तो आपके पूर्वज यहाँ नहीं काम करते? क्या करते हैं आप इस महल में? क्या करते हैं? हम नाइट गार्ड करते हैं। नाइट गार्ड में काम करते हैं। कितना सैलरी आपको मिलता है? सैलरी हमको 1500 रुपया में। कैसे आप खाते हैं? क्या करें, उसमें कमाई है। क्या कमाई है? वही अपन बिजनेस और बिजनेस है। कितने मजदूर यहाँ काम करते हैं? यहाँ कम से कम 60 आदमी। 60 आदमी हैं। सब लोगों को तनख्वाह मिलता है? हाँ, सबको नहीं मिलता है। क्यों? आपको नहीं मिलता, वो अपना मान जाने मान। तो जैसा कि इस कर्मचारी ने बताया कि इस महल में 60 मजदूर काम करते हैं, किसी को 1500, किसी को 1000, किसी को कुछ नहीं। कोई पीढ़ी से खट रहा है, कोई 10 साल से खट रहा है, कोई 15 साल से खट रहा है, कोई 50 साल से पीढ़ियाँ आए, पीढ़ी दर पीढ़ी खट रहा है। जैसे राजाओं के यहाँ हुआ करता था कि वंशज एक नौकर जब काम करता था तो उसके दादा, उसके पोते, उसके बेटे सब उसके यहाँ काम करते हैं। उसी तरह यहाँ रिवाज है वंशवाद की। यहाँ जो मजदूर एक बार आया उसका वंश आते ही गया, और अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसे मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं और मुफ्त में काम कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं महल की दूसरी ओर। सन 1911 में निर्मित कतरासगढ़ महल की स्थिति आज बहुत ही दयनीय है। महल का प्रायः हर कोना विकृत स्थिति में है। राजा रजवाड़े के समय खरीदी गई वाहन आज बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। महल को रंगाई पुताई करने की हिम्मत राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह के कुल 8 पुत्रों में से कोई नहीं कर रहा। आइए हम आपको इस राजा महल कि आज की स्थिति एवं वंशजों से आपको रूबरू करवाते हैं। जैसा कि हम लोग आपको दिखाते आ रहे हैं कतरास राजघराने के इतिहास को, इस वक्त हमारे साथ हैं कुंवर काशीनाथ सिंह जी, जो हमें इस इतिहास के बारे में बताएंगे। सर, आप लोग इस राजघराने से बिलोंग करते हैं, ये महल अभी जर्जर स्थिति है, इसके बारे में आपने क्या? इस महल के बारे में हमारा एक बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव सोच है कि इस महल को, इस घर में जो लोग रहते हैं वो लोग स्वयं ही इस घर को डेवलप करें, उसको फिर से अपने से ही बल पर इसका पुनर्जीर्णोद्धार करें। ये तो सबसे पहला मेरा एम बनता है कि सारे लोग मिलकर इसको डेवलप करें। कतरास राजघराने का हजारों साल पुराना इतिहास रहा है, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इस राजघराने की शादी विवाह जब होती है तो कहाँ होती है? जहाँ तक हमारी जानकारी है कि इन राजघरानों की शादी पहले बहुत नज़दीक में हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में इन राजघरानों का शादी विवाह गुजरात से लेके आपका नेपाल तक हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, और आपका
झारखंड बिहार में तो एक वही है, लेकिन दूर दूर स्टेट में के मध्य प्रदेश में भी हुआ है। पहले के शादियों में वो बंकी से जाया करते थे, पालकी रहता था, अभी मोटर मोटर बस है। तो कैसा आपको लगता है कि हमारे पूर्वज इससे जाया करते थे, जाया करते थे, आप मोटर से जाते हैं जाते हैं, तो पहले और अभी में आपको कैसा अनुभव लगता है? पहले का जो था उस समय का समय तो परिवर्तन है, आज आज जो हो रही है ये भी बहुत अच्छी अच्छी बात है, और अभी समय भी काफ़ी तेज से डेवलप कर रहा है, साइंटिफिकली बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, तो जो समय के साथ तो सब बदलना पड़ेगा। उस ज़माने में हाथी घोड़ा सब था, पालकी था, आज के ज़माने में मोटर वाहन है, हवा जहाज है, बहुत कुछ है। इस महल को देखने के लिए कितने मजदूर अभी यहाँ आते हैं? अभी अभी इस महल में कम से कम मेरी बात 25-30 के आसपास जरूर इस महल को देखने साफ सफाई में। सर आपको एक चैलेंज जैसा नहीं लगता है कि तो आपके लिए ये चैलेंज है इस महल को बचाना, तो क्या आपको क्या लगता है कि आप इतनी अच्छी तरह से इसे देख रहे हैं, आपके बच्चे उस तरह से इसे देख पाएंगे? क्योंकि आज के डेट में हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, पुराने चीज़ों से लगाव रखता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे अगर कल पढ़ देंगे वो बाहर चले जाएंगे, हर लोग विदेश जाना चाहता है, तो क्या कोई लौट के आएगा खतरास राजघराने में? देखिए आज के ज़माने में बहुत बड़ा महल को मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल है जी। आप देखे होंगे कि राजस्थान में बहुत सारा पैलेस, दिल्ली, महल, किला, ये सब राजस्थान में आज फाइव स्टार होटल बन गए हैं। नहीं सर, हम ये नहीं चाहते, हम जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे इस धरोहर को बचाने में इंटरेस्टेड रहेंगे? नहीं, बच्चे की आपकी क्या सोच है कि आपके बच्चे इसे बचाए? वो उम्मीद करना मुश्किल मुश्किल है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं बचा पाए तो बच्चे लोग क्या बचाएंगे? और हम लोग जब वर्तमान है प्रेजेंट, तो हम लोग को बचाने का बहुत प्रयास करना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग उठाए। अगर सरकार इसे बचाने के लिए कोई कदम उठाती है तो आप सहयोग दीजिएगा? ये तो धरोहर है, अगर आपके बच्चे नहीं बचा पाते हैं तो ये सरकार की सरकार इसे बचाएगी, आज बचाए चाहे कल बचाए, सरकार की निंद्रा टूटेगी, चाहे हमारे माध्यम से टूटे या किसी के माध्यम से टूटे, टूटेगी। जब टूटेगी तो आप उसे बचाने का मौका देंगे? नहीं नहीं, बहुत सारा उपाय है बचाने का, किसी सरकार ही नहीं बचाएंगे, बहुत सारा माध्यम है बचाने का जी। पहला माध्यम ये है कि मैंने राजस्थान का भी बचा जी, राजस्थान में बहुत सारे राजा महाराजा लोग बैठे हैं, जयपुर का ही नहीं, जोधपुर का भी, ये लोग क्या किए हैं कि इनके बहुत सारा पैलेस है, उस पैलेस में इन लोग जो बड़े बड़े पैलेस हैं उसको इन्होंने फाइव स्टार होटल में डेवलप कर दिया है, और खुद जो मेंटेनेंस कर सकते हैं जितना वो सही जगह पर स्वयं को रख रहे हैं और अच्छा से मेंटेन कर रहे हैं, और वो सब जब फाइव स्टार होटल में मेंटेन हो रहा है तो उससे काफ़ी गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलती है, और साथ साथ में एक बिजनेस भी डेवलप हो रहा है, तो ये सब राजस्थान का जो डेवलपमेंट है टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेके गवर्नमेंट का, तो इससे उन लोग का बहुत बड़ा एक आय का स्रोत है गवर्नमेंट का भी, और जिसका महल है उसको भी रेवेन्यू उससे मिलता है, उसको काफ़ी उससे आमदनी होती है, तो उसी तरह से ये भी डेवलप किया जा सकता है कि स्वयं अच्छा सा। आपकी सोच क्या है, इसको रेस्टोरेंट बनाना, होटल्स बनाना, या कोई धार्मिक स्थल बना देना, या पर्यटन स्थल बना देना, आपकी सोच क्या है कि आप किस क्या? हम तो बता रहे हैं ना कि राजस्थान में जिस तरह से आप किया मैं चाहता हूँ कि आपकी अपनी पर्सनल सोच क्या है कि इस महल को लेकर आप क्या चाह रहे हैं कि ये होटल्स बन जाए या धार्मिक स्थल बन जाए या तीर्थ स्थल बन जाए? धार्मिक स्थल तो नहीं बन सकता है, नहीं, क्योंकि बगल में लिलोरी स्थान है और बहुत पुराना स्थान है और आपके ही पूर्वजों ने इसे बनाया है, तो उसे लेके इसका भी महत्वता बढ़ती है, तो आपके मन में क्या है, आप क्या इसे बनाना चाहते हैं, होटल्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मॉल बनाना चाहते हैं, ये जो खाली जमीन है उसमें मॉल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं कि लोग आए यहाँ? सबसे पहले ये पूरा
बढ़िया से इसको जांच कर सके कि अगर इसको बढ़िया से इस एरिया को सर्वेक्षण करके इस एरिया में जो भी डेवलपमेंट हो सकता है, या फाइव स्टार होटल का डेवलपमेंट हो, या टूरिज्म डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी बड़ा काम हो सकता है, और लोड़ी स्थान का जो मंदिर है जो बहुत ही पवित्र स्थान है, इसका भी चर्चा हम लोग दिल्ली तक सुनते हैं कि वहाँ से भी बड़े बड़े सोसाइटी के लोग सब आते हैं, ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी आए हैं लोड़ी स्थान, हाईकोर्ट के जस्टिस लोग बराबर आते हैं लोड़ी स्थान में। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोड़ी स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ कतरास जैसा जगह। तो मतलब आपका इच्छा है कि इसका सर्वे किया जाए और एक फाइव स्टार होटल बनाया जाए। तो जैसा कि कुमार जी बता रहे हैं कि इस महल की देख रेख करने में हम सक्षम हैं, सरकार से पहले हमारे लोग ही इस महल को बचाए, ये उनके लिए अच्छा होगा। और कुमार जी की ऐसी सोच है क्योंकि पूर्वजों ने बनाया था और पूर्वजों की चीज बचाए उनके ही लोग, तो और अच्छा बात है। सरकार सहयोग करे लेकिन इनके माध्यम से सहयोग करे। और कुंवर जी का कहना है कि जमाना बदल रहा है, हमारे बच्चे इसे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी ये सोच है कि ये सर्वेक्षण किया जाए इस इलाके का, और जो खाली जमीन है, हमारी जो खाली जमीन है, उसमें फाइव स्टार होटल बनाया जाए और इस महल की देख रेख के लिए उस होटल से जो रेवेन्यू आएगी इस महल की देख रेख में हम लोग लगाएंगे। लेकिन इस महल के दूसरी ओर बहुत ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं इस महल की दूसरी ओर आपको ले चलता हूं जहां पर ऐसे ऐसे दुर्लभ चीज है जिसके दर्शन हम आपको कराएंगे। अनेकों खासियत आपको बता रहे थे, लेकिन इस राजवाड़े की हजारों साल पुराना इतिहास है, उस इतिहास में ये राधा कृष्ण का मंदिर भी है। यहीं पे वो हजारों साल पहले जो राजा यहाँ रहा करते थे, इसी राधा कृष्ण की मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन ये मंदिर अभी जर्जर स्थिति में है, ये मंदिर अभी जर्जर स्थिति में है। आप मेरे पीछे इस मंदिर को गौर से देखिए। राजा शक्ति नारायण सिंह के उपरांत उनके बड़े पुत्र पूर्णेंदु नारायण सिंह ने कतरासगढ़ की सत्ता संभाली। सन 1947 में देश की आज़ादी के साथ ही देश के राजे रजवाड़े की संपत्ति के सरकारीकरण के साथ ही राजे रजवाड़े की हुकूमत समाप्त होने लगी। देश में लोकतंत्र बहाली के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह ने सन 1952 के चुनाव में विधानसभा सदस्य के लिए हो रहे पहले चुनाव, जो कि पूर्व में तोपचांची विधानसभा कहलाता था, पर जीत दर्ज कर सन 1972 तक लगातार विधायक रहे। राजघराने का हजारों साल पुराना इतिहास, राजघराने के लोग, अनेकों लोग, अनेकों बात, हर लोग की अलग अलग राय। कोई चाहते हैं कि सरकार मदद करे, कोई चाहता है कि हम खुद इस महल को बनाएं, अनेक लोग अनेक बात है। लेकिन हजारों साल इस राजघराने का इतिहास है और बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ के वंशजों ने जो किया वो किसी ने नहीं। इतिहास का पन्ना हम लोग इसी तरह खोलते रहेंगे, आप हमारा सहयोग जरूर करें। अगर बोकारो दर्शन की टीम से कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या कोई ऐसी धरोहर जैसा हमने अभी इस राजघराने का दिखाया, अगर हमसे कोई धरोहर छूट रही है और हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अभी हमें अवश्य फोन करें।